गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। हमने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स बताया था। डिफरेंशिएशन के बाद आज हम बात करेंगे इंटीग्रल्स। किसी वेक्टर के हम किस तरह से इंटीग्रल करते हैं। सबसे पहला है उसमें लाइन इंटीग्रल, इसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे। पहले हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई कर्व है ए बी। क्या है? कोई कर्व। इस पर कोई पॉइंट है पी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। हमारे पास कोई वेक्टर है एफ, सपोज कर रहे हैं हमारे पास कोई वेक्टर एफ, और इस वेक्टर का इस कर्व के अलोंग हमें लाइन इंटीग्रल करना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर एफ अलोंग दिस कर्व ए बी इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ। ध्यान दीजिए, ध्यान दें आप लोग, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ अलोंग द कर्व ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ along the tangent at the point along on the curve is इस वेक्टर का कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल मतलब क्या है? वेक्टर के कंपोनेंट along the curve, along the tangent to the curve, उस कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दें तो वो लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। कैसे? ये हमारा, आपको ध्यान होगा कि dr dt drdt हमने बात की थी, टेंजेंशियल वेक्टर होता है और ये आपको ध्यान होगा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। t की जगह हमने s पैरामीटर ले लिया है, तो drds हमने कह दिया है। तो वेक्टर f का टेंजेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा f डॉट drds, और ds को लाइन एलिमेंट हमने ले लिया, तो हमने इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने से पहले हमें देखें ds और ds एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास f डॉट dr। ठीक, मींस f डॉट डी आर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या है एक बार आप फिर से समझ लीजिए। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक, अगर ये तो जनरल f मतलब यहां पर फोर्स करें, f कोई जनरल वेक्टर है। अगर f, पहला पॉइंट क्या है? अगर f जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, f रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, तब हमारा f डॉट डी आर रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। नोट रखिए, f अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ डॉट डी आर हमारा वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। लिमिट्स के बीच इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने में किए गए वर्क को निकाल सकेंगे। नेक्स्ट, सपोज कीजिए एफ अगर वेलोसिटी है, एफ अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है, तब ये एफ डॉट dr और क्लोज करके अलोंग जब हम लेंगे इसको, तो ये हमारा उस केस में कहलाएगा सर्कुलेशन। तो यहां पर लाइन इंटीग्रल के दो एप्लीकेशन जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, हम वर्क निकाल सकते हैं किसी भी फोर्स के द्वारा, किसी भी पॉइंट पर किया गया वर्क, किसी भी पॉइंट को या किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा वो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी हम आगे एग्जाम्पल इसमें चर्चा करेंगे, तो इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूं। यहां पर मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, एक प्रॉब्लम बहुत दिनों से क्या प्रॉब्लम्स होते की ही नहीं है बिल्कुल,
उस प्रॉब्लम को मैं यहां पर एक ले रहा हूं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसी प्रॉब्लम्स कंपटीशंस में आती हैं। फिलहाल हम एक प्रॉब्लम यहां पर ले रहे हैं और प्रॉब्लम से पहले किस पर बेस्ड है वो आप पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंस कर्ल वगैरह जो आप पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड मैं ले रहा हूं। प्रॉब्लम आप नोट रखिए, नोट कीजिएगा। प्रॉब्लम है तो मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम है सो दैट एक वेक्टर दिया हुआ है b इज इक्वल टू 2xy प्लस z क्यूब इंटू आई कैप प्लस x स्क्वायर j कैप प्लस 3xz स्क्वायर k कैप। ये हमें वेक्टर फंक्शन को दिया है, कह रहा है शो दैट दिस इज कंजर्वेटिव। इसके बाद कह रहा है फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल फाई सच दैट v इज इक्वल टू ग्रेड फाई। फिर कह रहा है फाइंड वर्क डन by the force B in moving a particle from 1 minus 2 1 equal point hai 2 3 1 4। ये आपका क्वेश्चन है, वैसे देखिए नोट करिए इसको। शो दैट b वेक्टर इज इक्वल टू 2xy प्लस z क्यूब इनटू i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप प्लस 3xz स्क्वायर k कैप इज कंजर्वेटिव। क्या दिखाना है कि ये कंजर्वेटिव है। वे कह रहा फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल phi सच दैट v इज इक्वल टू ग्रेड phi, मतलब v इज इक्वल टू ग्रेड phi से हम रिप्रेजेंट करें ऐसा phi हमको फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स बी। अब यहां पर हमने बी को फोर्स मान लिया है, ये जो वेक्टर है इसको हमने फोर्स मान लिया है। अगर ये फोर्स है तो उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकालना है इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम 1 माइनस 2 1 टू 3 1 4। इसे आप नोट कर लें क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, जो यूज करेंगे वो भी बता दें। पहला कंजर्वेटिव वेक्टर, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या कर्ल जीरो होता है, कर्ल इज जीरो। और एक आपने फार्मूला कह लें या आइडेंटिटी कह लें पढ़ा होगा कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेड लें फिर कर्ल लें उसका, मतलब ग्रेड लेने के बाद वो वेक्टर बन गया उसके बाद कर्ल लें, दैट इज जीरो। इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा 3xz स्क्वायर k कैप, हमको दिखाना है कि ये कंजर्वेटिव है तो कर्ल जीरो दिखा दीजिए, कर्ल निकालिए इसका। कर्ल बी, कर्ल निकालना आपको बताया था आई जे के, क्योंकि कार्टेशियन में है तो इस तरह से डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड 2xy प्लस जेड क्यूब एक्स स्क्वायर और 3xz स्क्वायर क्या आएगा आई कैप दिस इनटू दिस डेल डेल वाई ऑफ दिस, यहां वाई का कोई टर्म ही नहीं है इसलिए जीरो हो जाएगा, माइनस डेल डेल जेड ऑफ दिस, यहां केवल एक्स स्क्वायर है जेड का कोई टर्म नहीं तो जीरो प्लस जे कैप
दिस इनटू दिस डेल डेल जेड ऑफ दिस, पहले टर्म में जेड नहीं है केवल इसमें जेड है, तो 3z² माइनस डेल डेल एक्स ऑफ दिस वो भी 3z² प्लस के कैप डेल डेल एक्स ऑफ दिस 2x माइनस डेल डेल वाई ऑफ दिस वो भी 2x। आप ये देख रहे हैं कि कर्ल हमने निकाला और वो जीरो, ठीक, कर्ल जीरो मतलब ये फील्ड हमारा कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है। अब हमें फाई फाइंड करना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे।